नमस्कार आदाब, मैं हूँ रिजवान अहमद सिद्दीकी और हमारा विशेष जिसमें आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी विधायक दल के सचेतक हैं, बीजेपी के एक ऐसे दिग्गज नेता जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन तेंदुलकर कहा था विधानसभा और विधायी कार्य का, उनसे आपका परिचय कराते हैं। और कोरोना लगातार जारी है, लेकिन आज हम चर्चा किसी दूसरे अंदाज में करेंगे। कोरोना की चर्चा कम होगी, वो कैसा करते हैं, ऐसे समय में वो क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और पीछे अगर हम चले तो आज कल परिवार के साथ रहने का बहुत मौका है, तो परिवार के साथ वो किस तरह से समय बिता रहे हैं, और पीछे वो पिता को भी कई बार याद करते हैं। सोने की एक आदत है उनकी, और वो आदत पिता की किसी शक्ति के कारण उन्हें पड़ी, तो उस पर भी पूछेंगे और समझेंगे उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीवान भाई। कोरोना का जिक्र है तो शुरू यहीं से करते हैं। आप बड़े बिंदास अंदाज में घूम फिर रहे हैं, एक अकेले नेता हैं जो मीडिया को सबसे ज्यादा सुलभ है इस समय भी। वैसे तो आप वैसे भी रहते हैं बहुत सुलभ, इस समय भी आप बहुत सुलभ हैं, और कई बार आपके जो चाहने वाले हैं उनको चिंता भी होती है कि आप रिस्क ले रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि ऐसे समय में इस तरह से लोगों के बीच में रहना चाहिए? नहीं, कोई रिस्क नहीं ले रहा। देखो, आप कितनी दूर बैठे हुए, पूरी उसका ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज करके अंदर आए हैं, सब हाथ धो के आए। पूछा मैंने इन सब से कि सब ठीक ठीक कर लिया आपने भी आने के पहले, ये उसमें रखा डिब्बे में, क्या वो सैनिटाइज की था कुछ था? तो सावधानियां जितनी होनी चाहिए पूरी रख रहे हैं, पर लोगों से कैसे कट जाए जिन लोगों में जीवन है। सावधानियों के साथ में लोगों के बीच में रह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अपनी जनता के बीच भी रहूं, क्षेत्र में भी जाऊं, शनिवार इतवार जाता हूं, रहता हूं। जहां आवश्यकता अनाज की है, आटे की है, दाल की है, चावल की है, सब्जी की है, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच नहीं रहेंगे तो मन को भी अच्छा नहीं लगता। अब 30-35 साल हो गए, 30 साल पहले तो विधायक ही बन गए थे, तब से उनके बीच में तो आदत सी हो गई है, और अच्छा, मन को भी अच्छा लगता है। आप सब लोग ना हो तो मन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए दोनों के साथ में, आपके सबके साथ में भी और सावधानियों के साथ में भी कोरोना से लड़ रहे। जब यहाँ अंदर आते हैं तो महसूस होता है सैनिटाइजर जगह जगह है, गार्ड के पास भी है और भी है, रास्ते में भी है, और आपके पास भी एक पिचकारी नुमा एक सैनिटाइजर रहता है। और जब आप जनता के बीच जाते हैं या हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? ऐसा लगता है जैसे आप प्यार की होली खेल रहे हैं इसमें। ये एक वैश्विक बीमारी है और हमको सबको उससे बचना चाहिए। इसको हराना है, भारत को जिताना है, ये भाव है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तो फिर क्या बचा? सबको लग जाना चाहिए, आपको भी हमको भी। लॉकडाउन है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, आप निकलते हैं, घर से भी बाहर निकलते हैं। ऐसे समय में घर के लोगों के साथ कैसे समन्वय बना रहे हैं? इसलिए कि घर में छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो बच्चों में बहुत मन लग रहा है, नाती है, इसके पहले भी मेरे को जानते ही था। कोरोना और लॉकडाउन का ये लाभ हुआ कि वो मेरे को पहचानने लगा कि बाबा नाम का प्राणी भी कोई है। अभी उसी के साथ से लौटा था, वो हरा वाला डायनासोर मांग रहा था, तो वो बाजार में खरीदने गया था, कहाँ मिलता है हरा डायनासोर। दुर्भाग्य लेकिन मिला नहीं, वो दुकानें बंद थी, पर वो देखने गया था कहीं शायद मिल जाए। वो जिद पे आ गया था, उसकी यही उम्र है जिद की और मेरी भी उम्र पूरी करने की है, तो दोनों का तालमेल बैठा हुआ था, अच्छा लग रहा था। तो फिर कैसे मनाया आपने? डायनासोर तो मिला नहीं, उस पर मांग गया, वो मेडिकल स्टोर पे वो रखी थी, कुल्फी बोलेंगे, आइसक्रीम बोलेंगे, वो भी थी, वो जिसको उसने देख लिया मेडिकल स्टोर पे, तो वो उस पर मान गया, वो चॉकलेट बने चोकोबार पर मान गया, चोकोबार लेके मान गया। तो अब क्या तय हुआ है आगे, आगे दिलाएंगे? 4 बजे की बात की है उसने, 4 बजे की कह गया कि 4 बजे चलना, मैंने कहा चलो 4 बजे फिर ले जाऊंगा, फिर शहर घुमाएंगे आपसे।
शहर तो नहीं, हाँ एक छह नंबर पे दुकानें हैं कुछ मेडिकल की, वो खुलती हैं और इसकी परचून की जो अनुमति दी है प्रशासन ने वो खुलती है, तो उन्हें तो जो मिल जाता है तो उसमें बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा घर में रहिए, लगभग सभी ने एक स्वर में कहा, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब ने एक स्वर में कहा और लोग घर में रह भी रहे हैं। कुछ लोग हैं अपनी परिस्थितियों के कारण बाहर निकलते हैं, कुछ और भी कारण है, कुछ घूमने टहलने भी निकलते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अकारण भी तो नहीं निकलना चाहिए और सकारण भी निकलना है तो अनुमति ले लेना चाहिए, लेकिन अकारण को तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर अनुमति है, गाड़ी की अनुमति है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी जो रोकते हैं वो हमारी चिंता में रोकते हैं, उनका अपना हित तो है नहीं, वो अपनी जान पे खेलकर बीच सड़क पे खड़े, तो देश की चिंता है, व्यक्तियों की चिंता है, इसलिए वो रोकते हैं, तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। अगर वो रोक के पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन सी गाड़ी है, अनुमति है नहीं है, कारण बताओ, अकारण जा रहे हो, सकारण जा रहे हो, तो बताना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। अकारण नहीं निकलो, कारण हो तो भी बताकर निकलो, और लोग बहुत हद तक मान भी रहे हैं, जो नहीं मानते उनके लिए क्या हो? नहीं मानते हैं तो वो खतरे को मोल ले रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना है मान जाए, हाथ ही जोड़ सकते हैं उनसे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का आह्वान किया, प्रधानमंत्री लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे दौर में सारे लोगों के काम बंद हैं, कारोबार ठप है, एक चेन टूटती सी जा रही है, आप मेडिकल स्टोर का जिक्र कर रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में यही परिस्थितियां बनी रहीं तो वहाँ भी बहुत ढेर सारे सामानों की सप्लाई का अभाव हो जाएगा, कई तरह के सामानों का सप्लाई का अभाव होने लगा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही ना, जान भी जहान भी, पहले कहा था जान है तो जहान है, मैं समझता हूँ परसों से 20 तारीख से मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग में आंशिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। एक साथ तो खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर लोग निकले तो फिर जिस जो सोशल डिस्टेंस है वो समाप्त हो जाएगा, तो पहले मेडिकल, परचूनी फैक्ट्री और जो पालन करते जाए नियमों का उसको धीरे धीरे बढ़ा के 3 मई तक मैं समझता हूँ। अब इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये 3 जगह बचेंगी, और खासकर इंदौर तो खोला जाना भी नहीं चाहिए जब तक कि हम उसमें पूर्णतः आश्वस्त ना हो जाए। इंदौर की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है, मरीज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से कंट्रोल हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसमें राम भाई जो 22 तारीख के पहले जमात के लोग आए और वो अंदर चले गए बस्तियों में, गहराई में, और वहां जाने के कारण से वो फैलते चले गए। उसके बाद में जब ध्यान में आया कि एकदम लोग निकल रहे हैं, तो फिर डॉक्टरों की टीम पे हमला, फिर ये एक आशंका लेके ही कर्मचारी उस मोहल्ले में गया, अज्ञात आशंका से ग्रसित होकर उस इलाके में गया, तो उससे उनके मन में जो जिस तरह से काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाया। गहराई तक डॉक्टर को, नर्स को, बेटी को उतरना चाहिए, पुलिस को उतरना चाहिए, तो वो अज्ञात आशंका से ग्रसित होकर गए, तो ये फैलता चला गया, रुक नहीं पाया, देर में पकड़ में आया, और देर में पकड़ के आने के बाद में आशंकाओं से ग्रसित होकर वहां गए, इससे दिक्कत आई है। पर अब जो मुझे लगता है, जैसे कल से उसमें गर्मी आई है, कल ये ठीक है कि आंकड़ा वहां पर क्वारंटाइन होने का ज्यादा आया, लेकिन इसमें आप देखेंगे सिद्धिकी जी कि वो सारे वे लोग थे जो पॉजिटिव आए, जो पहले से ही इन्होंने क्वारंटाइन किए हुए थे, इसलिए इन दोनों को आप देखेंगे तो संख्या भी बड़ी नहीं है, दिखी आंकड़े में उधर बड़ी है, लेकिन पहले से ही वो क्वारंटाइन किए हुए थे, पहले से ही वो उनके उसमें रुके हुए थे, भर्ती थे, जमा थे, तो इसलिए अब नियंत्रण में इंदौर भी आना प्रारंभ हो जाएगा भोपाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की जितने बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जांच हो रही है देश में या प्रदेश में, उतनी जांचें नहीं हो रही है, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जितनी जांच हो रही है, अपन अगर वैसे करें ना बात, जितनी जांच हो रही है उसमें से 5% भी नहीं निकल रहे, 3% भी नहीं निकल रहे, 2.5% भी नहीं निकल रहे, इसलिए जांच पे उंगली तो अकारण भी कोई उठा सकता है, जो हो रही है उनकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे अब जांच की हमारे यहाँ एजेंसियां भी बढ़ गई, किट भी बढ़ गई, और प्राइवेट से भी कराने पर विचार हो रहा है,
इसलिए प्रतिदिन मतलब अब तो पूरे मोहल्ले के मोहल्ले फ्रीज करके शहर की जांच हो रही है, भोपाल में प्रारंभ हो गई, तो मैं कल तक मैं समझता हूँ कि हम शिथिलता में आएंगे। आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैं ये जिक्र आपसे लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव हेल्थ और बहुत ढेर सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित हो गए, और यहाँ कहीं जमात वाला कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित हुए, और इसके अलावा भी बहुत ढेर सारा पीपी किट या इस तरह के अभाव भी इस तरह की चीजों की। स्वास्थ्य विभाग के बारे में कई माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त बोल दिया है कि मेरे आने के पहले पीएस जो थी वो संक्रमित हो चुकी थी और स्वास्थ्य का अमला पहले ही संक्रमित हो गया था उनके आने के पहले, इस कारण से अब उस पर रिपीटेशन हो जाएगा स्वास्थ्य का। लेकिन निश्चित रूप से चूक की है स्वास्थ्य वालों ने, और वो भी उसी तरह की चूक है, और शायद उसके लिए उन्हें जांच किया, उसके अनुशासन के आदेश भी कर दिए कल मुख्यमंत्री जी। चलिए, तुकबंदियों का आपका जबरदस्त तुकबंदियां रहती हैं, तो मैं पीछे चलूंगा, आप उत्तर प्रदेश, उसके पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, अभी ये जो मध्य प्रदेश में जो हालात थे उसमें बहुत तरह की तुकबंदियाँ थी आपकी, और वो बहुत ही रोचक हैं, तो अगर उनमें कुछ तुकबंदियों का मैं जिक्र करूँ आज वो रुझान में उस समय सीढ़ी दिमाग में दूसरी लगी हुई थी, अभी तो कोरोना तक ही रखो आप, उसमें हास प्रयास में बदल जाएगा और लोग उसके अकारण को अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे कि हम इतने गंभीर विषयों पर भी गंभीर नहीं रहते हैं, इसलिए फिर कभी देखते हैं फिर दूर तलक जाएगी। कोरोना में कुछ तुकबंदी की आप? मैं अभी कोई तुकबंदी का समय नहीं, सामयिक नहीं होगी वो, फिर अभी कौन सा देर हो जाएगी, हम इस पर नियंत्रण बहुत जल्दी पा लेंगे। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे में से 20-20 घंटे, उससे लगता है कि हम जल्दी इस पर विजय पाएंगे। एक पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर व्यक्तिगत सवाल करूंगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित नहीं हो रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। चर्चा थी आज कि कुछ लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है, फिर चर्चा में फिर बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई कि सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, मुलाकात की कि नहीं सभी लोगों को दिलाओ, 10 लोगों को दिलाओ, इस तरह की भी बातें हैं। और अकेले मुख्यमंत्री जैसा आप कह रहे हैं लगातार एक योद्धा की तरह वो कर रहे हैं, आप जैसे लोग भी साथ हैं और लगातार आप भी अपने स्तर पर बहुत ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे क्षमतावान लोग और अनुभवी लोग, पार्टी ने एक टास्क फोर्स तो बना दी, लेकिन सरकार का मंत्रिमंडल कब बनेगा? एक तरीके में बार बार और भी मीडिया के लोग कहते हैं अकेले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, अकेला मुख्यमंत्री नहीं है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। जहां तक हमारी लोग की कहते हो आप, तो उसे मालूम है किनको मंत्री बनाना है, और जिनको बनाना है उनसे वो रोज बात करते हैं, विधायकों तक से बात करते हैं, वो जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं, बहनों भाइयों से, जो आता है उससे मिलते भी हैं एक निर्धारित दूरी बना के, तो अकेले नहीं है एक बात। दूसरी बात, बहुत लंबा दीर्घकालिक अनुभव जो मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में किसी में नहीं है वो शिवराज सिंह चौहान में है। जितने महीने इनने सरकार चलाई है उतने साल से वो मुख्यमंत्री है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पे पकड़, जनता के बीच में उनका संवाद, हम लोगों से सबसे बातचीत बरसतूर जारी है, और इसलिए मैंने कहा कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनका हम सब सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तो कुछ लोग सोचते हैं आप चिकित्सक हैं, इसलिए कि स्वास्थ्य मंत्री भी आप रहे हैं, तो ये डॉक्टर कैसे लगा? चिकित्सक नहीं हूं मैं, दरअसल मैंने पीएचडी की है, और पीएचडी का मेरा विषय था लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक, मतलब मैंने विधानसभा के ऊपर पीएचडी की है, और उस पीएचडी के कारण से डॉक्टर लगा है, मैं चिकित्सक वाला डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करता। लेकिन परिवार में माहौल वैसा रहा? मेरे परिवार में 7 डॉक्टर हुए हैं अभी तक, 7, पिताजी भी डॉक्टर थे, मेरे बड़े भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहन, ये सब डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर मेरे परिवार में है। अभी भी हम जिस घर में रहते हैं आज भी मेरे बड़े भाई वहां प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत अगर वो रात में भी खोले रहे दुकान तो रात में भी दुकान भरी रहेगी, ऐसी प्रैक्टिस है उनकी। तो मेरे फादर भी वही प्रैक्टिस करते थे जहां बड़े बड़े भाई कर रहे हैं,
हम रहते भी उसी घर में थे, तो परिवार का वातावरण ही वो था डॉक्टरी वाला। बड़े ऐसे छात्र रहे हैं आप जो जिसकी चर्चा पिता तक बार बार पहुंचती थी। उस समय के कोई संस्मरण सुनाना चाहें, इसलिए कि अब आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो पुरानी कुछ चीजें याद आती होंगी ऐसे समय में। निश्चित आती है, पर समय नहीं है रिजवान भाई। ये क्या है कि आपका ये कई चैनलों पर चलता है इंटरव्यू, और अभी पब्लिक कष्ट में है, भले वो घर में हो, घर में भी एक तकलीफ में। ये मैं संस्मरण का जिक्र कर रहा था। कोई भी संस्मरण, मेरे रोचक बहुत सारे हैं, आपने संस्मरण के साथ रोचक भी कहा है, तो अभी तो हम सब साथ हैं इस पीड़ा में, यही संदेश पर्याप्त। एक अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखते हैं, और जब हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश गया, आपको वहां देखा, लगातार आपको जिम्मेदारी जो दी गई थी, आप लगातार पार्टी के कामों में लगे रहे। प्रधानमंत्री की भी सभा हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सभा हुई, इत्तेफाक ये था कि मुझे उसमें जाने का मौका भी मिला, मैंने उसको कवरेज भी किया। और ऐसे समय में आपकी दिनचर्या में, जैसा कि जो आपको लोग जानते हैं, कुछ देर आप दोपहर में विश्राम करते हैं, लेकिन आपने उस समय में विश्राम नहीं किया, और ये एक अपने आप में एक आपके लिए बड़ा, इसलिए कि एक आदत सी है, तो ये आदत कैसे पड़ी, अगर मैं इसका जिक्र करूँ। मेरे बारे जैसे बताया, मेरे फादर डॉक्टर थे, और स्वभाव से मैं उद्दंड प्रवृत्ति का था, या उन्हें भी कह लें अपन, जो भी गांव की भाषा में कहते हैं। तो वो जब आते थे प्रैक्टिस से, तो वो आते ही बुलाते थे, और वो बाकी के, हम तीन भाई थे, तो बाकी के भाइयों से ज़्यादा वो मेरी को तलाशते थे। मैं नहीं मिलता था, तो वो फिर उतनी देर भोजन के लिए लेट हो जाते थे, और विश्राम में उनके मैं लेट हो जाते थे। अपने यहाँ के डॉक्टरों की एक आदत है, वो दोपहर में विश्राम करते हैं, तो उसी परंपरा को निभाते थे मेरे फादर। तो मेरे को फिर कई बार माताजी ने टोका कि तुम लेट होते हो, तो फादर भी डिस्टर्ब हो जाते। फिर धीरे धीरे मैं उनके कारण से, कि वो मेरे कारण से भोजन में विलम्ब न हो, तो मैं 10 मिनट पहले पहुँचने लगा। वो सोने के पहले मुझे सुलाते थे, तो मैं उनके कारण से कि ये सो जाए, इसलिए मैं भले नींद में आया पर सोने का अभिनय करता रहता था कि फादर तो सो जाए। ये भी सच है कि मैं फिर उठ के भाग जाता था जब वो सो जाते थे, कई बार, हमेशा नहीं, पर धीरे धीरे फिर वो आदत में आ गया, फिर नींद भी आने लगी। एक लंबी प्रक्रिया, सालों चलेगी तो नींद भी आएगी, पर सब फिर ठीक हो गया। स्वास्थ्य के बारे में भी वो ही मुझे बार बार टोकते रहते थे, तो एक आदत हो गई थी, उस आदत के आगे आगे बढ़ते गए। क्या दिनचर्या है आपकी, किस तरह से करते हैं आप अभी भी? मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 4:30-5:15 तक नीचे आ जाता हूँ, टहलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लोग मिल जाते हैं, गपियाता रहता हूँ, बातें करते रहते हैं। 7 बजे करीब मैं घर आ जाता हूँ वापस, 6:30-7 पे, तो चाय वगैरह जो सब लोग रहते हैं साथ में, जब मैं डबरा रहता हूँ तो बड़ी संख्या रहती है, वो भोपाल में भी संख्या बड़ी रहती है, पर अभी तो कोरोना की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं। उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं और नीचे आ जाता हूँ 9:30 बजे, 12:30 तक नीचे रहता हूँ, 1 तक मान लिया, 1 से 3 फिर मैं भोजन वगैरह विश्राम वगैरह में चला जाता हूँ, 3 बजे से फिर आपकी सेवा में रहता हूँ रात को 9 बजे तक। इसमें जो हो सकती है वो सेवा करते हैं, नहीं होती तो माफी मांगते। बच्चों के साथ कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं? बिल्कुल सारे गेम खेल रहा हूँ अभी तो, जितने बच्चे खेलते हैं वो सारे गेम खेलता हूँ। सब सीख गए आपकी पहले से आते? नहीं, अभी सीखा हूँ, पर अभी सब खेलता हूँ। आजकल रामायण महाभारत आ रही है, वो भी देखता हूँ रात को, रात में जो आती है, दिन वाली नहीं। दिन में तो चूंकि वो 12 बजे शुरू हो जाती है, और वो समय ऐसा है कि मैं 1 बजे पहुँचने का है मेरा, रात की जरूर देख लेता हूँ 9 बजे वाली बच्चों के साथ ही, कोशिश करता हूँ हमारे बच्चे भी बैठ जाए। जैसे मैं आपके पास आया, हजामत भी नहीं बनी ठीक से, क्या हाल बना रखा है लोग पूछते हैं, लेकिन आप इतना टिप टाप कैसे रह पाते? खुद स्वयं सेवक है, खुद भी सेवा करते हैं, अपने हाथ से खींचते हैं। आपके लिए नाई की जरूरत है, आप शौकीन हो, नवाब, भोपाल नवाबों का शहर है, तो आपको खवास लगता है, नाई लगता है, हमको क्या, हम तो स्वयं से जब खुद ही खींच लेते हैं। एक बार फिर राजनीति की तरफ लौटता हूँ। आखिरी सवाल है कि
विधायक बहुत ढेर सारे आपके साथ आ गए, आने वाले वक्त में उन्हें चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, मंत्री बेचारे बन नहीं पा रहे हैं, कैसे करेंगे वो? कांग्रेस ने इतने गड्ढे खोद दिए कि चुनाव की कोई चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, किए नहीं। अब इतनी काफी है कांग्रेस जी, अब जो क्या झूठ बोलेंगे जाके? इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए ही नहीं। अब क्या बोलेंगे ये नौजवान से जाके कि अब दे देंगे? वो अब दे देंगे तो 1.25 साल क्या करते रहे, 1.5 साल? इन्होंने कह दिया कि हम गेहूं पे बोरस देंगे, नहीं दिया। अब नहीं देना था तो कहा क्यों, और कहा था तो दिया क्यों नहीं? कहते हैं कि हम 5 साल का घोषणा पत्र होता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी ने क्यों कहा 10 तक की गिनती बताई कि हम 10 दिन में माफ कर देंगे, तो नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये उन्होंने कहा, भी जो फुटेज आपके पास भी है, आपके चैनल पर भी हमने देखे थे। तो जब कर नहीं सकते तो कहते क्यों, और कहते हो तो करते क्यों नहीं हो? बेटियों के 51,000 रुपए नहीं दिए, इनने एक भी वचन पूरा नहीं किया, एक भी। हर गांव में गौशाला बन जाएगी, सड़क पर कोई गौशाला नहीं मिलेगी, राम पथ बन जाएगा, जाने कितनी बातें कर दी। जब रोज एक घोषणा करते थे घोषणा वीर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, और सितम यह था कि एक भी पूरी नहीं की। हमारी जो अच्छी योजनाएं चल रही थी वो और बंद कर दी इन्हें। तो इनको हम जीतने की तो कोई संभावना नहीं। बूढ़ी कांग्रेस है, दोनों नेता 74 साल से के आसपास हो गए हैं, अगले 3 साल बाद 78-80 के हो लेंगे, चुकता काम है। अब दिग्विजय सिंह जी 15 साल को दे गए थे, आदरणीय कमलनाथ जी 20 साल को दे गए हमें सेवा का अवसर, करेंगे। राहुल गांधी कल मीडिया से रूबरू हुए थे, समर्थन किया उन्होंने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का और बाकी सारी तरह की चीजों का, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एक पुश बटन है, उससे चीजें थम सकती हैं, लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर जांच की जानी चाहिए और अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन इनसे प्रार्थना है कि अगर शुरुआत में पुश नहीं करें, जिन देशों ने पुश नहीं किया, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, चाहे वो उनके मामा का घर हो, नाना का घर हो इटली, और चाहे अमेरिका, उन्होंने पुश नहीं किया तो कब्रिस्तान में, शमशान घाट में और जहां लाशें रखी जाती हैं, क्या बोलते हैं, मर्चुरी, जगह नहीं बची इन देशों के अंदर रखने की। आबादी के मान से अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ तो ना के बराबर काल, मौत एक ही दुखद होती है, बहुत कोई भी दुख होता है, लेकिन अगर उससे उनकी आबादी और हमारी आबादी की तुलना, हम पर सीमित संसाधन थे, सबसे कम मौतें, उन पर अत्यधिक संसाधन थे और अत्यधिक मौतें हुई हैं। इसलिए जो पुश किया मोदी ने, इसकी विश्व ने सराहना की, मोदी मॉडल बन के निकला। आज मोदी से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति सलाह ले रहे हैं, आज हम विश्व को दवाई सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका ने जो धौस दी थी हमसे दवाई मांगने पर दी थी, हाइड्रोक्लोरोक्वीन दे दो हमको, आज भी हमारे पास में मध्य प्रदेश में 35 लाख टैबलेट उपलब्ध है, आज हमारे पास में 16,000 से ज्यादा आइसोलेटेड बेड उपलब्ध है, हमारे पास में आईसीयू के बेड 900 के आसपास, 800 से कुछ रखे हुए हैं, कोई कमी नहीं है हमारे पास में संसाधनों की, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। ये सब हमने भी तैयारी की, पहले 5,000 किट रोज बनती थी, फिर 6 करी, फिर 7 करी, अब 10,000 किट डबल कर दी हमने, 10,000 किट रोज आ रही है, डॉक्टर पहनते हैं। तो जो कर सकते थे वो सब कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैंने फिर एक बार दोहराता हूं अंतिम सवाल पे आपके पे, हम 1-2 दिन में आपको इस पर अच्छे संदेश देंगे। मध्य प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश भी लंबे समय से गए हैं, वहां चुनाव रहा आपका, गुजरात भी आप गए हैं, जनता से को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का अक्षर से पालन करें, दूरियां बना के रखें और अभी घर पर ही रहें। अगर आपका इलाका रेड जोन में है तो निकले ही नहीं, अन्यथा आवश्यक हो तो निकले, अनावश्यक ना निकले। धन्यवाद आपका। यह है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। घर में ही रहें, आपका इलाका अगर रेड जोन में है तो बिल्कुल ना निकलें। और वो लगातार उसी तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, इसलिए उनका कहना है कि तकरीबन 35 बरस हो गया जनता के बीच में रहने का, और पिता ने जो संस्कार दिए थे
उसका वो पालन कर रहे हैं। परिवार में बहुत ढेर सारे लोग चिकित्सक हैं, इसलिए वो चिकित्सा के क्षेत्र में उनका भी एक लगाव है। साथ ही उनका कहना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले नहीं है, हम जैसे बहुत से लोग उनके साथ हैं, लाखों कार्यकर्ता उनके साथ हैं, प्रदेश की जनता उनके साथ है, वो लगातार काम कर रहे हैं और जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं लेकिन इसलिए वो कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही बार बार उनका यही संदेश है कि समय परिवार के साथ मिला है तो बिताइए और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाइए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।